दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडिया टू काठमांडू का बस सफर दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप कैसे बिना पासपोर्ट के इंडिया से नेपाल बाय रोड पहुंच सकते हैं, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट की लग्जरी वोल्वो बस से। अगर आपको नहीं पता तो दिल्ली से काठमांडू के लिए इंडियन गवर्नमेंट की बस सर्विस अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको पूरी बस जर्नी भी दिखाऊंगा और जानकारी दूंगा कि टिकट कैसे बुक करें, बस के स्टॉप्स कहाँ कहाँ हैं, टिकट प्राइस कितना है, कौन सी आईडी अलाउड है, करेंसी बॉर्डर से कैसे एक्सचेंज करें और बस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो को शुरू कर सकें। तो गाइस, आपको दिख रही है खूबसूरत बस जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। DE9400 का मॉडल है और इसके अंदर 47 लोग बैठ सकते हैं। 550 लीटर की कैपेसिटी एक टैंक के अंदर ही हमको पूरा ले जा सकती है काठमांडू। तो अभी हमारी सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक होने के बाद में हम लोग इसके अंदर बैठेंगे। DTC जो है, DTC CNG बसेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लीट है इनके पास में। दिल्ली के अंदर एक पार्किंग स्टेशन है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्किंग स्टेशन है। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक स्पेशल बस है, जैसे इंडिया से पाकिस्तान की बस चलती थी कुछ वैसे ही। इस बस के ऊपर पुलिस सायरन एंड लाइट भी लगी हुई है और इसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली हुई है जो इसको दिल्ली बॉर्डर तक एस्कॉर्ट देती है। आपको इस बस में बैठ के VIP वाला फीलिंग आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो गाइस, अभी यहाँ पे हो रहा है जो लगेज है, सारा का सारा लगेज चेक होता है। ये मशीन के अंदर से गुजारते हैं, देखते हैं कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं है। वैसे ड्रोन से अलाउड नहीं, मैंने इनसे पूछा था तो मैं ड्रोन नहीं लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ से सामान चेक हो, उसके बाद में ये सारा का सारा सामान है वो डिक्की में डाला जाएगा और फिर हमको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस बस का नाम है इंडिया नेपाल मैत्री बस। ये एक इंटरनेशनल बस है और ये बस दिल्ली से काठमांडू जाती है। दिल्ली से बस 10 बजे मॉर्निंग को चलती है और ओनली ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। एक ऐसी ही बस नेपाल गवर्नमेंट की भी चलती है ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, पर ये बस वोल्वो नहीं मार्को पोलो है। मैं आपको वोल्वो बस बोर्ड करने की ही सजा दूंगा। वोल्वो बस का दिल्ली में एक अपना खुद का अलग बस टर्मिनल भी है जो कि है दिल्ली गेट के पास। मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। चलिए आपको बस अंदर से दिखाते हैं। ये है वोल्वो 9800 B6 मॉडल जिसमें आपको मिलता है लग्जरी केबिन फील ऑफ वोल्वो इंटरनेशनल केबिन। बस की सीट्स पुशबैक हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं लंबे सफर के लिए। इसमें आपको हर सीट के लिए पर्सनल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है जिससे आप फोन या लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। DTC की वेबसाइट से आप इस बस की टिकट्स बुक कर सकते हैं और अपनी सीट भी चूज कर सकते हैं, या आप दिल्ली गेट बस टर्मिनल से कैश टिकट भी ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक एंड दिल्ली गेट टर्मिनल का एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन कर दिया है। गाइस, पहला स्टॉप ले लिया है बस ने, हम लोग रुक गए हैं मथुरा में एक ढाबे पे आधे घंटे के लंच ब्रेक के लिए। अभी हम यहाँ पे जाके करेंगे लंच और उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट करेंगे। पहला ब्रेक है, ऐसे कुछ 6 ब्रेक यहाँ पे होने हैं पहुँचने से पहले। चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आज खाने के लिए क्या मिल रहा है। मैंने मंगा लिया है आलू का पराठा और साथ में आ गया है मक्खन। मक्खन और आलू का पराठा हम लोग खाने वाले हैं यहाँ पे। मथुरा, इसका जो रूट है यहाँ से मथुरा है, मथुरा से ये लखनऊ जाएगी, अयोध्या भी आएगा और उसके बाद में हाँ अयोध्या के पास में भी ब्रेक है इसका एक, तो इस बहाने अयोध्या भी चले जाएंगे। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट है वो है गोरखपुर। गोरखपुर के बाद इनका जो बॉर्डर है वहाँ पे चली जाएगी। तो आई थिंक इसके कुछ 6 से 7 स्टॉप्स हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बारे में बस में जाके। गाइस, आपको मैं एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। जो आपको ये नेपाल का झंडा दिख रहा है, ये वर्ल्ड का एक ऐसा झंडा है जो कि इस तरह का बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। और इस रेक्टेंगल के भी मतलब है, जो पहला रेक्टेंगल है उसको बोलते हैं हिमालयन जो पीक्स हैं उसको वो दर्शाता है, और जो दूसरे वाला है मतलब वो बताता है कि यहाँ पे 2 मेन धर्म है, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म। तो गाइस, यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग, मथुरा से लंच हो गया है, बस अब निकलने की तैयारी है। अभी नेक्स्ट टाइम पे रुकेंगे, फिर से हूटर चला है लो वजह से है कि नॉर्मल गाड़ी है। जब से बस चली है सो ही रहे हैं, सो ही जा रहे हैं। इनको देख के सारी बस को नींद आ रही है, बस आते ही इनको देख के सो जाती है।
तो गाइस हम लोग कन्नौज पहुंच गए और यहां हो गए शाम, मतलब अभी जो टाइम आप देख रहे हो ना, जो अभी 6 बज रहे हैं, कल शाम को हम इसी वक्त वहां पहुंचेंगे, इससे भी लेट, क्योंकि अभी तक तो ये जो सारी की सारी रोड है बढ़िया है, लेकिन आगे जाके रोड बहुत ख़राब है। तो ये खड़ी है अपनी बस, लोग वेट कर रहे हैं, चाय हो गई है, अभी हमारे ड्राइवर साहब आएंगे तो जाएंगे, बस खड़ी हुई है यहाँ पर। दोस्तों हम नेपाल के ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें आने जाने, स्टे एंड घूमने सब की जिम्मेवारी हमारी होती है। आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके साथ में सारी डिटेल शेयर कर लूँगा। डिनर वाला ब्रेक, अभी हम यहाँ पे आधा घंटा रुकेंगे। ये अयोध्या के आसपास वाला जगह है जहाँ पे हम लोग रुके हैं, तो आपको जाके बताते हैं हम लोग क्या खाने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले ही कुछ खाना खा लिया था। तो गाइस हम लोग रुक गए हैं डिनर के लिए, हमारा हो गया 3rd नंबर का ब्रेक। तो यहाँ पे थाली का सिस्टम है, वैसे थाली 200 रुपये की है, लेकिन हमने थाली ऑर्डर की, चलने की तैयारी हो गई है गाइस। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, जो स्टॉप है जहाँ पे होगा हमारा पासपोर्ट चेक, सारी डिटेल चेक, और वहीं से करेंसी मिलेगी। तो बस अब पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, अभी मेरे ख्याल 8 घंटे लगेंगे, पहुँचने वाले तो नहीं है, लंबा टाइम है, जाके सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि बस धीरे धीरे चल रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम इस वक्त अयोध्या के आसपास कहीं पे घूम रहे हैं यूपी में, चलिए दिखाते हैं आपको रात का सफ़र कैसा रहता है। हम लोग पहुँच गए हैं बॉर्डर पे और यहाँ पे चेकिंग होगी, तो पीछे ये भारत सरकार का उपक्रम है जहाँ पे हमको अपने अपने आईडी प्रूफ दिखाने हैं, आधार कार्ड नहीं चलता तो वोटर आईडी, आप अगर लेके आए हैं अपना पासपोर्ट तो भी अंदर जाएंगे, अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है, बस तो जितना हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप पासपोर्ट के साथ जा सकते हो या इलेक्शन कार्ड के साथ भी जा सकते हो, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। कुछ लोग आधार कार्ड लेकर भी आए थे, जिनको बाद में घर से इलेक्शन कार्ड मंगवाना पड़ा, सो आधार कार्ड इज नॉट वैलिड। तो गाइस अभी हम रुक गए हैं यहाँ पे करेंसी चेंज कराने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमारा पहले चेकिंग हुआ इंडिया बॉर्डर पे। ये देखो पैसे अभी हम चेंज कराने वाले हैं, 500 के नोट चलते हैं कि नहीं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 के नोट यहाँ नहीं चलते, और नहीं चलते हुए तो हमारा क्या होगा मालूम नहीं, आप बने रहिए, बताता हूँ आपको। क्यों पहले इंडिया में चेकिंग हुई नॉर्मल, उन लोगों ने बैग चेक किए, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ उसके बाद उन लोगों ने मशीन के साथ में बैग लगाए और स्कैन किए, और उसके बाद चेकिंग हुई प्रॉपर, फिर उसके बाद हम नेपाल बॉर्डर में एंटर किए, उसके बाद भी उन लोगों ने चेकिंग करी, और अब उसके बाद हम दोबारा रुक गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे पैसे चेंज हो गए, और अभी 2 बार और चेकिंग होनी है, तो टोटल 6 बार चेकिंग होती है। गाइस आपको पीछे दिख रहा होगा अभी हम पहुँच चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, हम रुके थे, हमने करेंसी चेंज कराई तो 1 रुपये का हमें मिला 1.60, एक कुत्ता बहुत खतरनाक है, 1.60 मिला, इंडिया में मिला था 1.66। तो आप यहाँ पे भी चेंज करा सकते हैं करेंसी, 500 का नोट चलता है, 2000 का नोट यहाँ पे नहीं चलता है। तो ये सोनौली बॉर्डर में खड़े हैं हम लोग, नेपाल की एंट्री है सिद्धार्थ नगर, अभी हम यहाँ से जाएंगे काठमांडू, उसके बीच में एक दो स्टेशन आएंगे, तो आपको दिखाते हैं कैसे कितने बजे हम लोग पहुँचे काठमांडू, तो जुड़े रहना। चलिए इतनी चेकिंग हुई है ना, इतनी चेकिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतनी चेकिंग में तो अगर हमारे गांव में हो जाए ना तो पानी निकल आता है, इतने में तो नलकूप की चेकिंग होती रही, इतने में पानी निकल आता है, इतनी चेकिंग कर दी नेपाल में। यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर, और हम 250 किलोमीटर लगता है 4 या 5 बजे तक कवर करें, अभी 1 बजे। खराब रास्तों पे ड्राइवर साहब ने कुछ कुछ होता है मूवी चला दी थी, गवर्नमेंट बस का स्टाफ बहुत ही एक्सपीरियंस एंड हेल्पफुल था। अभी 3 बजे हम लोग पहुँच गए गैंडा कॉल सुमसी, और यहाँ पे लंच के लिए गाड़ी रुकी है, रोड है ही नहीं, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, रोड है ही नहीं यहाँ पे, जब से हमने बॉर्डर से पार किया 250 किलोमीटर ऐसा लग गया कि 2000 किलोमीटर बने हैं, रोड्स नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर है दही, इसके अंदर है दाल, इसके अंदर है सब्जी, और इधर है खेचा और मूली और राइस, रोटी दूर दूर तक इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो शायद कोई ना कोई लेके आएगा, चलिए खा के शुरू करते हैं। हमारा अभी भी एक
ब्रेक बाकी एक और ब्रेक लिया गया अभी शाम के 7:30 बज गए हैं। ये ब्लैक टी यहाँ बहुत चलती है, मसाला होता है इसके ना नींबू वीबू। और सब एक अच्छी बात क्या है कि जितनी भी नॉर्मल शॉप्स है ना वहाँ पे भी आपको दारू मिल जाती है। गोरखा करके ब्रांड है जिसके अंदर 8% दारू मतलब इसका अल्कोहल है। तो अभी हमने पूछा था 380 रुपये की। बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं यहाँ पे ब्रेक के लिए, तो हमारी वाली बसें तो आपको दिख ही रही है, वो सामने झंडे वाली। पहुंच रहे हैं हम लोग फाइनली रात को 9 बजे